नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नईम खान के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पे इफ्तार पार्टी का आयोजन धनबाद जिला के तितुलिया में हुआ, जहां शहर के नामचीन व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान काफ़ी संख्या में रोज़ेदारों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की और रोज़ा खोला। निरसा हो, बलियापुर, तमाम जगह से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। तो आज हम लोग इस रमजान के महीने में मतलब पहला अफ्तार का दावत हम लोगों ने यहाँ किया, और खास करके पूर्व मंत्री मनान साहब का शुक्रगुजार गुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पर अपना कीमती समय दिए। चुनाव का माहौल है और देश में आप लोग देख रहे हैं जिस तरह का एक उन्मादी किस्म का जो दल है, जो देश में फसाद करने के आमदा है वो, और पूरे देश में मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, एक ही बात को लोग पैगाम चारों तरफ दे रहा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच चुनाव हो रहा है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं CFM न्यूज़ चैनल। सब लोगों को अब इंतज़ार है इतवार की, जो यहाँ पे आपका जा करके MP का इलेक्शन होने वाला जो धनबाद हलका है। आज गर्चा गेट तो तशहीरी मुहिम का ख़त्म हो गया है, आज हमारे दरमियान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो धनबाद के पिलर समझे जाते हैं, मनान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो कांग्रेस का जो सफ़र है धनबाद का, वो उनके लिए कितने भरा चुनौती है, उनके लिए क्या अहमियत रखती है, और इस सीट को जीतने के लिए वो लोगों ने अब तक क्या हिकमत अमली अपनाई है। देखिए, इलेक्शन का आचार संहिता लगा हुआ है और मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। हम सभी लोगों से अपील किया है कि आप लोग अपनी तौर से जो है वोट दीजिए और खुशी से दीजिए, और अपना जहाँ जहाँ हो वोट देने का काम कीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कि आचार संहिता लगा।